मैं सोच रही थी जी आईफोन 14 लेने से बेहतर था मैं खोता ले लेती, वो भी इतना तंग ना करता जितना मुझे आईफोन 14 ने तंग किया हुआ है। बार बार हीटअप हो जाता है, बार बार ग्लिच होता है, ब्लर होता है। अच्छा मजे की बात, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आधी वीडियो में आवाज़ बिल्कुल सही आएगी तो आधी वीडियो च ना इन्हें तकलीफ पै जाएगी, आवाज़ ही गायब कर देगा, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कभी कभार तो इतना गर्म हो जाता है, मुझे एक मिनट में तकरीबन 5-6 नोटिफिकेशन आ जाती है, लेकिन इसका क्या काम है गर्म होने का। किसी आईफोन ने तंग नहीं किया, 13 भी लिया, 12 भी लिया, 11 भी लिया, 7 भी लिया, किसी ने तंग नहीं किया। इसको फ्रीजर में रखना पड़ता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं आईफोन 14 लेने का, तो आप लोग 13 पे इन्वेस्ट कर लें, आप 15 का इंतज़ार कर लें, 14 ना लें। जो स्पेशल ब्लॉगर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 5-6 हज़ार नोटिफिकेशंस एक मिनट में कोई ज़्यादा है, क्योंकि इतनी ऐप्स खुली हैं। देखो टिकटॉक अलग खुला है, फेसबुक अलग खुली है, इंस्टाग्राम अलग खुला है, यूट्यूब अलग खुला है, सबको सबके मिला के 5-6 हज़ार नॉर्मल रूटीन में आते हैं। जब पोस्ट लगाती हूँ तब नोटिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आईफोन ने कभी भी पहले तंग नहीं किया। जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं, अच्छा अनबॉक्सिंग करने वक्त इतना तंग करते हैं, इतना ग्लिच होता है, इतना ज़्यादा ग्लिच होता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि कभी कभी बंदा ना तंग आ जाता है, कहते हैं दफ़ा करो, अनबॉक्सिंग से करनी नहीं। आई एम फीलिंग डाउन फ्रॉम हेड, मतलब गुस्सा चढ़ा है मुझे बहुत ज़्यादा। आखिर आई हुई थी मुझे आईफोन 14 लेने की और सारी आखर वायर निकल रही है। अच्छा मुझे एक लड़की का मैसेज आया, आप ही मैंने दुबई से मंगवाया था अपने भाई से, तो मेरे साथ भी सेम वही इशू आ रहे हैं जो आपके साथ इशू आ रहे थे। जो मेरी फ्रेंड ने लिया था पाकिस्तान से उसके साथ इशू नहीं आ रहा। देखो मैंने अमेरिका से मंगवाया था, मेरी बाजी आ रही थी अमेरिका से, तो उन्होंने एप्पल स्टोर से ला के मुझे दिया था पाकिस्तान में। तो ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से लिया हुआ था इसलिए ख़राब आया, अमेरिका में जाके एप्पल स्टोर से लिया उन्होंने। तो अब मुझे ये नहीं पता दुबई से लिया, पाकिस्तान से लिया, अमेरिका से लिया, क्या इशू बन रहा है। बस आईफोन 14 है ही स्यापा, ब्लॉगिंग वालों के लिए तो बहुत ही बुरा है मैं तो कहती हूँ।